बसंत पंचमी का बधाई दूंगा। और स्टूडियो बहुत ही अच्छा है, और लोग कहते थे कि हमारे जो यादव में भी सिंगर बनते हैं, एक्टर बने हुए हैं, लेकिन स्टूडियो बहुत कम यादव बॉम्बे में खोल कर बैठे हैं। तो सब लोग खुशी हो रहा है कि हम रिलेटिव हैं, हमारे खास रिलेटिव रिश्ता है यहाँ, और घर से फ़ोन किए कि मैं बॉम्बे आना चाहता हूँ, कुछ करना है, तो किस में रुचि रखूँ, मतलब आपको किस में अच्छा लग रहा है। तो बोले कि अलग अलग सिंगिंग वाला काम करो, स्टूडियो खोलो, फिर सिंगर रूममेट बन जाओगे, और डिफरेंट होगा। चलो यार, कोई स्टूडियो खोला हमारे कुशनगर क्षेत्र का, और कुशनगर बहुत पावन जगह और अच्छा जगह है, तो वहाँ का लोग काफ़ी बॉम्बे में आते हैं, तो हमसे पूछते हैं भैया हमको थोड़ा स्टूडियो को बताइए कहाँ जाएँ। तो हमारे रिलेटिव हमारे घर की बात है, और सौभाग्य की बात है कि आज सरस्वती पूजा के दिन, और मैं इतना महान सिंगर दिल से प्यारा लोगों को अपना समझने वाला, और आज दिन मुलाकात होना, उनका आशीर्वाद लेने के लिए मुझे मतलब इतना फीलिंग हो रहा है कि आज मैं कितना अच्छा कर्म किया हूँ जो इतना महान सिंगर का आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। और मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, मेरा निर्जय फिल्म प्रोडक्शन हाउस है। आप सबकी दुआ से कल मेरा हिंदी एल्बम रिलीज हो रहा है हंगामा से, जिसका नाम रखा हूँ दिलकश अदाओं में। बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी हो रहा, थैंक यू। और दूसरा मेरा पिक्चर है ओनली सिक्स हिंदी मूवी, खुद कहानी मैंने लिखा हूँ। हमेशा मैं लोगों को बीच में दिया हूँ, हमेशा मैं लोगों के प्रति सोचता हूँ कुछ अच्छा करूँ, उनको हेल्प कर सकूँ। तो उस बीच में मैं गया कुछ किन्नर समाज में, और मैं डिफरेंट लुक में नाक में नथिया डाला हूँ, डिफरेंट कि मैं कुछ अगर चोर बनना है तो चोर के साथ चोरी के उसका रूप धारण करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो मैं एकदम फिट हूँ, और उस ग्रुप में जाकर मैंने जो दिल से जो उनका स्टोरी लिखा हूँ, काफ़ी लोगों को स्टोरी सुनाया, जैसे फर्स्ट स्टोरी सुनाया मैं मोदी जी के भाई प्रहलाद भाई मोदी जी, बहुत खुश हुए बेटा इतना सही स्टोरी लिखे हो। फिर मेरा पहली बार किन्नर समाज में कोई महागुरु बना है, अपना नाम सुनेंगे लक्ष्मी त्रिपाठी जी, आखिरी का जो पद मिला उन्होंने सुना, तो काफ़ी लोग सपोर्ट में खड़े हैं। हिंदी फिल्म यूनियन लीडर बवन खैरात इंडस्ट्री का लीडर है, तो काफ़ी लोग टीम खड़े थे। हमारा प्लान शुरू होने जा रहा है मार्च में, जिसको ओनली सिक्स नाम रखूँ, और पूरा समाज के साथ हम जुड़े हैं कि हम एक छोटा बच्चा पैदा होता है, फैमिली है, तो उसको नहीं पता मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ। घर में माँ प्यार करती है, बाप प्यार करता है, बहन प्यार करती है, सिर्फ एक भाई है, भाई को हर एक समाज में बाहर घूमना है, तो किन्नर को पता चलता है कि मेरा भाई घर में विलन बन जाता है, तो भाई की खुशी खातिर वो किन्नर घर छोड़ता है। थोड़ा कहानी बता रहा हूँ। और समाज में जाके दूसरे समाज के लोगों के लिए जीता है, सर आए आशीर्वाद दे रहे हैं, तो बेचारा घूम घूम लोगों के लिए जीता है, लोगों का हेल्प करता है, लोगों के कल्चर के लिए हर एक काम करके गुजरता है, लेकिन उसका भावना नहीं होता है, बदनामी होता है। तो कैसे अपने आपको प्रूफ साबित करता है कि मैं सबके लिए जीना चाहता हूँ, सबके लिए करना चाहता हूँ, एंड में पता चलता है फैमिली को सपोर्ट करता है। तो इस टाइप से पूरा नहीं बताऊँगा, आप आशीर्वाद दीजिए कि डिफरेंट स्टोरी है। और दूसरा, आज का जो माहौल है आपने देखा होगा, कोई भी स्टेट हो, कोई भी भाषा हो, लोग ये चाहते हैं मेरा बच्चा स्कूल में जा रहा है, फ्री टाइम में सिंगिंग करे, गाना सीखे, डांस सीखे, रुचि ज़्यादा कला तरफ है और होना चाहिए। तो इस पर मैंने सोचा कि कैसे कि स्टोरी बनाऊँ जिसका नाम रखूँ सिंगर। सिंगर हिंदी नाम, लेकिन सिंगर भोजपुरी फिल्म बना रहा था, सिंगर नाम है कि हिंदी रहा, लेकिन हर एक उसमें लैंग्वेज में वो पिक्चर हम बनाएंगे। तो भोजपुरी में नाम रखा हूँ सिंगर, भोजपुरी नाम है, उसका भी प्लानिंग बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं, कि उसका भी गाने का रिकॉर्डिंग चल रहा है। और बीच में देखेंगे, अभी मैं लॉकडाउन में बहुत समाज सेवा किया, काफ़ी लोगों को पता है, सोशल मीडिया मेरा पेपरों में नाम आया था, कि जब मैं बॉम्बे में था देखा लोग परेशान थे, तो मेरे को भगवान इतना बड़ा नहीं मिला, मेरा दिल बड़ा है, तो बाई रोड में अपने गाड़ी से बड़ौदा तक लोगों को बाई रोड छोड़ा हूँ। टी परमिट कार मेरा स्विफ्ट डिजायर, गाड़ी के ऊपर लिखा है ओनली सिक्स हिंदी मूवी एंड निर्भय फिल्म्स, तो लोगों को बोलता था फ्री में छोड़ रहा हूँ, आप मेरे साथ बैठो। और लोग हमको फ़ोन करके बोलते थे कि पुलिस इतना मारता है, इतना तकलीफ है, आप पूरा लॉकडाउन में घूम रहे हो, आपको कोई डर नहीं लग रहा है? लेकिन हर जगह जहाँ मेरे को पुलिस मिले, गवर्नमेंट के जो लोग मिले, हमें खुद खाना खिला रहे थे, हेल्प कर रहे थे, आप इतना बड़ा काम कर रहे हो। उसके बाद फिर मैं सोचा कि मैं कुशनगर का हूँ, तो लोग यूपी बिहार कैसे जा रहे हैं, तो मैं प्लान आया, फिर ऐसे में निकला बाई रोड, और जो भी मेरे से गाड़ी में लोग मिलते गए, अपने बाई रोड में छोड़ते गया अपने कुशनगर तक। और वहाँ गया तो पता लगा छोटू बाबा म्यूजिक डायरेक्टर जो भोजपुरी में फेमस हैं, पवन सिंह के खास दोस्त हैं, उनको ये बात को पता लगा कि बंदा ऐसा कर रहा है, तो अपने यहाँ बुलाया। तो मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम जहाँ हूँ वहाँ नहीं घुमा था, लेकिन इलाहाबाद से पटना तक बाई रोड सबको घुमा, जो भी लोग हमसे मिले सबको मैं हेल्प किया। कोरोना तो हमको लगता है सबका आशीर्वाद है, जो बॉम्बे में आके मैंने एक फरदधवन फिल्म बनाया, फरदधवन मेरा रिलीज हो रहा है एनएस प्लेयर से, पूरी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसका एडिटिंग थोड़ा काम बाकी है, उसमें मैं डायरेक्टर साइन किया अशोक मेहता जी, स्टिल फोटोग्राफर हैं, आप सब जानते होंगे कि डायरेक्टर भी हैं, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड भी हैं, तो उन्होंने काम किया और बहुत अच्छा हुआ, और आप सबका प्यार, और मैं चाहता हूँ कि गुरु के साथ हम कुछ करें, तो ओनली सिक्स सबके लिए है और समाज के लिए, तो मैं चाहूँगा गुरु जी उसके लिए कुछ करेंगे, और
मैं इतना अच्छा अच्छा काम इन्होंने किया तो मेरा बहुत दिन से एक मन में है, एक जो जो गुरु शिष्य परंपरा होना चाहिए वही तो मेन आधार है। टीचर स्टूडेंट कहे, गुरु शिष्य परंपरा करे या भगवान भक्त कहे, तो एक बहुत बड़ा ये एक चैप्टर है, बहुत बड़ा एक टॉपिक है, एक कहानी है। और मैं भी एक गुरुकुल से बड़ा हुआ, संगीत रिसर्च अकेडमी, जहाँ से उस्ताद राशिद खान, पंडित अजय चक्रवर्ती, ऐसे बड़े लोग वहाँ पे निकले। तो मेरे जीवन का एक बहुत सुंदर सा एक्सपीरियंस मेरा है कि कैसा होता है गुरुकुल और कैसा होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि इस विषय में हम एक फिल्म जरूर बनाएंगे, जरूर। ये एक बहुत बड़ा चीज़ होगा कि लोगों को पता नहीं है कि हम अगर अशुद्ध बन रहे तो क्यों बन रहे, हम कहाँ जा रहे, गुरु तो है, गुरु का रूह कहाँ जा रहा है और कहाँ जाना चाहिए, कहाँ था। तो ये हम एक मॉडर्न तरीका से लोगों को समझाएंगे कि प्यार जो अब कर रहे हैं हम, हीरो हीरोइन का प्यार हो, स्कूल जीवन का प्यार हो, तो हर प्यार के अंदर भी गुरु का रूह कहाँ चला गया, जिस वजह से हम कंप्लेंट तो कर देते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, वो ठीक, पर हमारा जो बुनियाद है, हमारा जो आधार है कि जिस वजह से हर चीज़ टिका हुआ रहेगा, वो जो परंपरा है वो आज कहाँ है। तो इस विषय में हम एक बहुत सुंदर एक फिल्म का काम शुरू करेंगे। बहुत अच्छा विचार लगा कि आके जो बच्चे हैं गुरु शिष्य में दूरियां देख रहे हैं हर जगह, लेकिन हम उसको जोड़ कर रखना चाहिए। पहले जो थे हमारे बाबा दादा जोड़े थे, आज मुकाम पे हम बैठे हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है कि गुरु शिष्य मतलब हमको ये लगता है कि धोती कुर्ता, नहीं नहीं, गुरु शिष्य में जींस टी शर्ट भी हो सकता है। तो हम लोग एक बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा।